I welcome you all to our new batch of auditing and assurance CA intermediate group 200 marks. ग्रुप टू तो 400 नंबर का है, हाँ जी ये पेपर 100 नंबर का है और इसीलिए अब आपको अपने कान खुले रखने होंगे, दिमाग खुला रखना होगा, ध्यान से सुनना होगा, देखना होगा, नोट्स बनाने होंगे, तभी इस पेपर में जो कि 50% प्रैक्टिकल है 50% थ्योरेटिकल है, वैसे दिखाया जाए तो 100% थ्योरेटिकल है सर, इसमें कोई सम सॉल्व करना नहीं आता, इसमें सारे के सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरी के और आपको थ्योरी के ही आंसर लिख कर आने होते हैं। 50% प्रैक्टिकल इसलिए है क्योंकि प्रैक्टिकली ऑडिटिंग तो करनी होती है ना सर, आपने सुना है ना ऑडिटर होते हैं, कुछ लोग सुना है, कभी तो सुना होगा सीए ऑडिट करता है, आईएलएनएफएस का केस सुना होगा, बिग फोर में से डिलॉयट जो है बैन हो सकती है, कुछ ना कुछ सुनी है न्यूज, कभी सुना है ऑडिट कौन करता है, हाँ जी तो प्रैक्टिकली ऑडिट होता है, इसीलिए हम 50% आपको प्रैक्टिकल बताएंगे जिसमें एक्चुअली में ऑडिट जो होता है, जो जो चीजें करी जाती है वो कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं और एक बार आप समझ लेंगे तो उसको पेपर में भी लिख पाएंगे। बाकी का जो 50% कोर थ्योरी है उसमें से अगर 30% भी आप कर लेते हैं, मतलब 50 में से 30% का मतलब हो गया 60% थ्योरी, थ्योरी पार्ट में से जिसमें कोर थ्योरी है, प्रैक्टिकल समझाया शायद नहीं जा सकता, जैसे कि एडवांटेजेस हो गए, ठीक है सबकी कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस होगी, पर इतना भी प्रैक्टिकल नहीं है कि हम प्रैक्टिकली एडवांटेजेस कभी करते हैं ऑडिट में, नहीं वो ऑटोमेटिकली निकल कर आती है। तो ऐसे कई क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आएंगे इस बुक में जो आपको रटने भी पड़ सकते हैं, हालांकि हर चीज को हम समझेंगे जरूर, 50% की है प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन वो तो बहुत ही अंदर तक चली जाएगी आपके, कैसे भी सवाल आए कोई भी आए, 50% जो प्रैक्टिकल है उसमें से तो आप लिख पाएंगे हमेशा, बिना याद करे क्लास के दौरान ही चीजें समझ में आ जाएगी कि बिना देखे भी उसको आप बता सकते हो किसी और को, इंटरव्यू में जाकर भी बोल सकते हो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है। जो बाकी 50% थ्योरी है दोस्तों उसमें से भी 30% आपका जो है वो हो जाएगा बार बार रिविजन से, बाकी जो 20% है देख लीजिए सर, हम तो सब कुछ कवर करेंगे, आप लोग छोड़ना चाहे छोड़ दीजिए, करना चाहे कर लीजिए, क्योंकि मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को फोर्स नहीं करता रट्टाफिकेशन के लिए, चाहे वो टैक्सेशन हो या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, सीए में तो खैर पूरा ही प्रैक्टिकल है, बट इवन टैक्सेशन भी जितनी चीजें समझ सकते हैं वो समझ कर बार बार उसे ट्राई करो तो वो चीजें याद हो जाएगी। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको गाड़ी चलानी है तो गाड़ी एक बार प्रैक्टिकली चलाना सीख लिया तो थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी कि पहले बैठते हैं, सीट बेल्ट बांधते हैं, चाबी लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं, गियर डालते हैं, ये पूरा प्रोसेस है ना सर, बट जिसने गाड़ी चला ली उसको ये सारा प्रोसेस याद नहीं करना पड़ेगा, वो बिना देखे बता देगा कि ऐसे ऐसे करना होता है। अब बात समझ में आ गई, तो स्टार्ट करेंगे, आपको ये वाली जो बुक है मिल जाएगी, चैप्टर बाय चैप्टर आपको बुक मिलेगी ऑडिट की। फिलहाल मैंने चैप्टर नंबर 1 के 50% नोट्स बना लिए हैं जो अपलोड कर दिए हैं कोर्स मटेरियल सेक्शन में, आप चाहें तो एंड्रॉयड ऐप में कोर्स मटेरियल में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंटआउट लाना चाहे प्रिंटआउट ला सकते हैं, हाथ से लिखना चाहे तो देखकर हाथ से लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, आज की क्लास में जो होगा उसको लिख लीजिए, कल की क्लास में होगा वो लिख लीजिए, ऐसे अपनी कॉपी बनाते रहिए जिससे आपने वीडियो देखा, सारी चीजें समझी, कॉपी में लिखा, रिवाइज किया, सब कुछ हो गया, एमसीक्यू टेस्ट दे दिए, उसके बाद एंड में पास्ट ईयर के एग्जाम्स देख लिए, आरटीपी देख ली, दैट्स इट, एग्जेम्पशन पक्की है सर। जो हम 80% की बात कर रहा हूँ, 20% थ्योरी छोड़ दी तो भी 80% करके आएंगे ठीक, 60 मार्क्स उसमें आराम से आ सकते हैं, एग्जेम्पशन तब भी आ सकती है, और अगर 100 मार्क्स तक का कराएंगे तो 80 प्लस आ सकते हैं आपके ऑडिट में, बट मैं फोर्स नहीं करूंगा आपको 80 प्लस के लिए, बस एग्जेम्पशन ले आइए, इस पेपर में क्लियर कर लीजिए आप, मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, ठीक है ना, और बाकी सब्जेक्ट भी अच्छे से पढ़िएगा। इंट्रोडक्शन से बात करेंगे, सारी चीजें आपके सामने आ रही है, बिल्कुल ही देसी भाषा में बात करेंगे, ऑडिट जो है ना वो तो अभी आया है, पुराने जमाने में तो ऑडिट नहीं था, तब क्या होता था उस जमाने की बात कर रहा हूं मैं, इन ओल्ड टाइम्स किंग यूज टू कॉल मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स को बुलाता था किंग और बोलता था भाई तुमने क्या काम किया है जरा मुझे बताओ, दूसरे मिनिस्टर को बुलाता तुमने क्या काम किया है मुझे बताओ, हर मिनिस्टर से खबर लेता था और क्रॉस एग्जामिन करता था, झूठ तो नहीं बोल रहा, क्वेश्चन पुट अप करता था, जब ये किंग राजा ये कार्रवाई कर रहा होता है तो पुराने जमाने में बोलते थे एक तरह से वो ऑडिट कर रहा है उन मिनिस्टर्स की, आज के जमाने में वो राजा महाराजा वाला सिस्टम नहीं रहा,
पर देखा जाए तो आज के जमाने में जो जनरली ऑडिट करते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो कि आप लोग बनने वाले हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनकर आप ऑडिट कर सकते हैं। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आज के जमाने का राजा आप लोग हैं। जस्ट जोकिंग यार, अगर पुराने जमाने में राजा ये सब काम करता था चेकिंग का, और अगर वो काम अब सीएस को मिल गया है जो जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं, होल्डिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। जी हाँ, जिस सीए के पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, यानी कि कोई भी सीए बनने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले सकता है, जैसे कि डॉक्टर जो है प्रैक्टिस करने के लिए उसको राइट्स मिलते हैं तभी वो अपना क्लिनिक खोल पाता है, लॉयर को प्रैक्टिस करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया राइट्स देती है, वैसे ही सीए को प्रैक्टिस करने के लिए, सीए का काम करने के लिए, जहां जहां पर सीए के साइन चाहिए वो अटेस्ट फंक्शन वो पूरा कर सके, अपना साइन कर सके, स्टैंप लगा सके, जिन डॉक्यूमेंट्स पर सीए के साइन की जरूरत होती है उसके लिए आईसीआई भी सीएस को राइट देती है, और जो भी चार्टेड अकाउंटेंट बन जाता है वो ये राइट ले सकता है। और अगर उसे प्रैक्टिस नहीं करनी, अपनी फर्म सेटअप नहीं करनी, किसी इंडस्ट्री में काम करना है, जॉब करनी है, अपना बिजनेस करना है, तो वो नहीं भी लेगा। जैसे कि मैंने नहीं लिया, जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेते हैं वो फिर सीए का लोगो यूज कर सकते हैं, और साथ में लोगों के साथ, लोगो मतलब समझते हैं ना, लोगो होता है किसी भी चीज का, जैसे लर्नजब का लोगो है एक, वैसे ही सीए का भी लोगो होता है जो सी लिखा होता है और एक अलग स्टाइल से ई लिखा होता है आईसीए की वेबसाइट पर। कभी देखना, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, अगर आप गूगल करेंगे तो भी मिल जाएगा। वो लोगो आप लगा सकते हैं, बोर्ड लगा सकते हैं, और नाम के आगे सीए तो सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लगा सकते हैं जिसका भी नाम जो है मेंबर्स ऑफ रजिस्टर में लिखा गया है। ये सारी बातें ऑडिटिंग में ही पड़ी जाती है। आप लोग ऑडिट कर सकते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट कर सकते हैं कंपनियों की, पर ये ऑडिट होता क्या है? अभी तो देखा आपने कि ऑडिट क्या होता है। जैसे राजा चेकिंग करता है वैसे आप लोगों को भी चेकिंग करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो सर, क्या सिर्फ सीए ही ऑडिट कर सकता है या और कोई नहीं कर सकता क्या? देखिए, मैंने लिखा है यहां पर जनरली तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करता है। ये देखिए, जनरली वर्ड लिखा है, हर वर्ड का मीनिंग है। जनरली का मतलब अधिकतर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के कंधों पर ऑडिट की जिम्मेदारी दी गई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे टाइप के ऑडिट सीए को ही करने होते हैं और कोई नहीं कर सकता, या सीए ही सारे टाइप के ऑडिट करता है, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ ऑडिट कंपलसरी होते हैं, कुछ ऑडिट कंपलसरी नहीं होते हैं, और बहुत बहुत टाइप के, भिन्न भिन्न प्रकार के ऑडिट होते हैं। आइए देखते हैं, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, विच कैन ओनली बी डन बाय प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये वो ऑडिट है जो सिर्फ एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी कि अब मेंबर होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ही कर सकता है, ना तो जो सीए जिसने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लिया वो नहीं कर सकता, और जो सीए है ही नहीं वो भी नहीं कर सकता। यानी कि सीए होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो कि आईसीए से मिल जाता है अगर आप लेना चाहो तो, सीए बनने के बाद बहुत ही ईजी प्रोसेस है, मेंबरशिप फी देनी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की फी देकर आप भी ले सकते हैं एक फॉर्म भरने के बाद। वो जो सर्टिफिकेट है आपको एलिजिबल बनाएगा कि आप किसी कंपनी की स्टैट्यूटरी ऑडिट कर सकते हो, और स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ अ कंपनी कैन ओनली बी डन बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु आर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। गजब हो गया यार, ये तो गजब हो गया। यानी कि हर कंपनी को स्टैट्यूटरी ऑडिट करवानी होती है। जी हाँ, छोटी से छोटी कंपनी बनाओगे तो भी, लॉस मेकिंग कंपनी है तो भी, प्रॉफिट मेकिंग है तो भी है। 11 लाख से ज्यादा कंपनियां हैं सर। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कितने हैं? सीएस कितने हैं सर? 3 लाख। तो ठीक है, सबको एक एक कंपनी मिल गई, करो ऑडिट करो, 1 लाख बच जाएंगे, वो इंडस्ट्री में है, 2 लाख प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन सबको एक एक कंपनी देते हैं, पर ऐसा नहीं होता ना सर। ऑडिट रिपोर्ट गिवन टू शेयर होल्डर्स। जी हाँ, जिस टाइप का ऑडिट होगा, जो लोग अपॉइंट करेंगे उन लोगों को हमें ऑडिट रिपोर्ट देनी होगी। जो कंपनीज एक्ट है सर उसमें लिखा हुआ है, आप जरूर पढ़ेंगे, कि शेयर होल्डर्स यानी कि मेंबर्स ऑफ द कंपनी अपॉइंट ऑडिटर्स। तो मेंबर ऑडिटर अपॉइंट करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में, उनको हमें ऑडिट रिपोर्ट देनी होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट कर कर और अपना एक ओपिनियन फॉर्म कर कर कि हाँ मुझे सब सही लग रहा है इस स्टेटमेंट पर, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, एक अपनी ऑडिट रिपोर्ट देनी होती है जिसका फॉर्मेट ऑलरेडी आईसीए ने अपलोड किया हुआ है और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में भी दे रखा है। सर ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या होते हैं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे सर, अभी तो सिर्फ आपको इतना बताया है मैंने कि कैन ओनली बी डन बाय प्रैक्टिसिंग सीए, ऐसी है स्टैट्यूटरी ऑडिट जो कंपनीज एक्ट में कंपनी को करवानी होती है, और है टैक्स ऑडिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट, ऑडिट रिपोर्ट गिवन टू इनकम टैक्स अथॉरिटीज।
जो इनकम टैक्स की ऑडिट है सर, सेक्शन 44AB की जो ऑडिट है, उसकी भी एक ऑडिट रिपोर्ट होती है, जिसे टैक्स ऑडिट बोलते हैं। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सीए बनाता है, जो जो चीजों पर उससे मांगा गया है, अपनी बातें बताइए आप कि क्या इस कंपनी के पास ये वाली नेचर की ट्रांजेक्शन हुई है, नहीं हुई, और बहुत सारी टाइप की जो चीजें लिखी होती है, उस फॉर्मेट में आपको रिपोर्ट करना होता है। वो जो रिपोर्ट है वो कंपनी को सबमिट करनी होती है इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास, क्योंकि ये ऑडिट इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है। तो अल्टीमेटली जो ऑडिट रिपोर्ट जाएगी वो इनकम टैक्स वालों के पास जाएगी। और हाँ, जो आपका जो स्टेटूटरी ऑडिट है कंपनियों का, उसमें भी जो ऑडिट रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के पास सबमिट होगी सर। उनके पास तो जाती है ना ऑडिट रिपोर्ट, उनके पास तो पूरे फाइनेंशियल जाते ही है ना, जो भी कंपनी उसके फाइनेंशियल फाइल करने होते हैं ना ऑनलाइन, वो तो जाएंगे ही जाएंगे सर। यहां तक कि आपको बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ेंगे। ये देखिए सर, कुछ आपकी ऐसी ऑडिट्स हैं जो सिर्फ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज कर सकते हैं, मतलब सीए भी वो ऑडिट नहीं कर सकता सर। ऐसी ऑडिट भी कंपनीज एक्ट में लिखी गई है, जिसे बोलते हैं सेक्रेटेरियल ऑडिट। हर ऑडिट का एक अलग पर्पस होता है। देखिए, समझ रहे हैं आप, जो हमारी स्टेट्यूटरी ऑडिट थी, जो कंपनीज एक्ट में हर कंपनियों को करवानी होती है, मतलब मैं इंडिविजुअल हूं, अगर मेरी कंपनी नहीं है तो मुझे स्टेट्यूटरी ऑडिट नहीं करवानी होगी सर। स्टेट्यूटरी ऑडिट जो होती है वो कंपनीज को करवानी होती है, कंपलसरी होती है, और वो सिर्फ सीए ही कर सकता है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। वहां पर जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी बना रही है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, नहीं दे रही, उस पर आप अपनी ओपिनियन दो, ये उस ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होता है। जो मैंने आपको टैक्स ऑडिट बताई वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर करवाई जाती है, और वहां पर टैक्स अथॉरिटीज को टैक्स से रिलेटेड जो डिटेल्स चाहिए उस पर सीए रिपोर्ट करता है। तो पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ओपिनियन दे रहा था, यहां टैक्स ऑडिट में कुछ अलग अलग नेचर की ट्रांजेक्शन पर, कि डेप्रिसिएशन का शेड्यूल क्या है, टीडीएस कितना काटा, कितना पेबल है, समझ रहे हैं, पीएफ का पैसा जो है, या जो ऐसे हैं जो ड्यू बेसिस पर नहीं देने होते, पेमेंट बेसिस पर अलाउड होते हैं सेक्शन 43B के आइटम्स, उनकी डिटेल्स देनी है नेक्स्ट में। जो भी इनकम टैक्स वाले आपसे डिटेल मांगेंगे वो आपको उस रिपोर्ट में देनी होगी। ये रिपोर्ट भी जो है सिर्फ सीए ही बना सकता है, जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है। एक टाइप की और ऑडिट आ गई, मतलब ऑडिट चेकिंग है, बट अलग अलग टाइप की चेकिंग है सर। सबसे मेन तो आपका स्टेटूटरी ऑडिट है, क्योंकि उसमें पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करनी है, तो आपको हर चीजें चेक करनी होती है। पर टैक्स ऑडिट में एक लिमिटेड चीज है सर, टैक्स से रिलेटेड चीजें आप चेक करेंगे। उसके बाद जो है प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है, सेक्रेटेरियल ऑडिट। यहां पर देखेंगे कंपनी जो है, जो कंपनी सेक्रेटरी काम करता है, एक तरह से कंपनी का जो सेक्रेटरी होता है, सारी जो एमसीए में फाइलिंग वगैरह है, बोर्ड मीटिंग्स वगैरह हो रही है, जो भी कंपनी लॉ में चीजें लिखी है और उसके जो कंप्लाइंसेस लिखे हैं, उसका कंपनी पालन कर रही है नहीं कर रही, उसके लिए जो ऑडिट बनाई है सर, वो बना दी है सेक्रेटेरियल ऑडिट, जो कि कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। सर ऐसा क्यों किया हुआ है कि कोई ऑडिट सिर्फ सीए कर सकता है, कोई सिर्फ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है? भैया, इसलिए किया हुआ है ताकि आप लोगों का जो काम है वो सिक्योर हो जाए। सीए बन गए, सीए की वैल्यू क्यों है भाई? सीए की वैल्यू इसीलिए है, इसलिए नहीं है, सीए की वैल्यू इसलिए नहीं है, वो बहुत डिफिकल्ट कोर्स है। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि सीए डिफिकल्ट कोर्स है इसलिए उसकी बहुत वैल्यू है सर, ऐसा नहीं है। आईआईटी भी बहुत मुश्किल है सर। और भी अगर आप, मैं बात बताऊं आपको, तो एसआरसीसी में जाना भी बहुत मुश्किल है। हाँ जी, 98-99% चाहिए होते हैं। मुश्किल तो बहुत चीजें हैं, मुश्किल तो आप लगा लीजिए कि स्पोर्ट्स में भी बहुत सारी चीजें हैं, इंडिया टीम के लिए खेलना भी मुश्किल चीज है, तो उसकी वैल्यू होती है। हाँ जी, होती है सर, समझ रहे हैं आप, उसकी वैल्यू होती है। किसी भी चीज की वैल्यू कब होती है, आज हम उस पर डिस्कशन करते हैं। आप इंडिया टीम के लिए खेलते हैं, वैल्यू हो रही है, इसलिए हो रही है क्योंकि आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अलग कारण है। सीए बनकर आप देश को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, डॉक्टर बनकर देश को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, अनलेस एंड अंटिल आप किसी ऐसे इकोनॉमिक फोरम में इंडिया के पैनल से जा रहे हो बाहर अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने देश को, वो एक अलग मुद्दा है। पर जनरली सीएस जो हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते, फिर भी इस कोर्स की वैल्यू है। हार्ड है इसलिए नहीं है, इसलिए है कि सीए बनने के बाद आप अपने घर बैठे प्रैक्टिस सेटअप कर सकते हो, और ऐसे कुछ काम है जहां पर सीए के साइन चाहिए होते हैं, जिसके लिए आपके पास बंदे आएंगे, बंदे आएंगे तो उनसे पैसे लोगे, पैसे लोगे तो अपना चलते रहेगी प्रैक्टिस, समझ रहे हैं आप। वैल्यू हो गई ना सर, वैल्यू हो गई सर, क्योंकि अगर सीए को दोस्त बनाएंगे तो
तो फिर मेरे जितने भी घपले वगैरह हैं जिस पर मुझे सीए के साइन चाहिए, और अगर सीए मेरा दोस्त बना हुआ है तो मुझे हेल्प कर देगा कि भैया ऐसा कर ले जिसे पकड़ में ना आए, सीए हेल्प कर देगा। यही तो कर रहे हैं ना सर, तभी ब्लैक मनी है। जितने भी क्लाइंट है, जितने भी लोग हैं जिनका करोड़ों में टर्नओवर होता है भाई, अगर तो वो कंपनी है तो स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना पड़ेगा जो सीए ही कर सकता है, और कंपनी नहीं है, इंडिविजुअल है और टर्नओवर बहुत ज्यादा आ रहा है तो फिर टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा सर, वो भी सीए ही कर सकता है। तो आप खुद ही बताइए कि सीए की वैल्यू इसलिए कि भैया मेरे जो टैक्स अथॉरिटीज को जो रिपोर्ट देनी है जिस पर मुझे सीए के साइन चाहिए, अगर ये मेरे से मिला होगा तो फिर मैं थोड़ा बहुत हेरा फेरी कर कर भी डिपार्टमेंट को गलत रिपोर्ट दिलवा दूं सीए के साइन लेकर, और सीए भी ऐसा दिखा दे कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि क्लाइंट ने ऐसा बोला है, मुझे तो पता ही नहीं क्लाइंट ऐसा भी काम कर रहा है ना, मुझे नहीं पता था, मुझे बिना बताए इसने ऐसा किया, जबकि एक्चुअली में सब कुछ पता है। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं क्या खेल चलता है, खेल समझ रहे हैं ऑडिट का। तभी तो मैंने छोड़ी ऑडिट, मैंने ऑडिट इसीलिए छोड़ी है सर, मैंने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इसीलिए नहीं लिया, क्योंकि अगर मुझे पता है सामने वाले बंदे ने गड़बड़ करी है तो मैं उसे अगर रिपोर्ट करूंगा, अगर मैं उसे रिपोर्ट करूंगा या मैं क्वालिफाई करूंगा, या जो नया बंदे को वो हायर करता है उसको मैं रिपोर्ट करके बताऊंगा अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से कि ये तो भाई गड़बड़ करता है, इसका असाइनमेंट मत लियो, हमारे स्टैंडर्ड्स बोलते हैं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, तो मेरी जान को खतरा हो जाएगा ना सर। अगर आप किसी का फ्रॉड रिपोर्ट करोगे तो आपकी जान को खतरा हो जाएगा सर, इसलिए आप फ्रॉड रिपोर्ट करोगे नहीं सर, आप अपने क्लाइंट के साइड रहोगे। दूसरा, अगर आप असाइनमेंट को छोड़ देते हो भाई मुझे नहीं करना किसी और से करवा ले, तो आपको रेवेन्यू लॉस हो जाएगा सर, क्योंकि घपले तो सभी लोग कर रहे हैं सर, सभी लोग लगे हुए हैं घपले करने में, लोग गवर्नमेंट करप्ट नहीं है सर, लोग करप्ट है, ब्लैक मनी गवर्नमेंट ने नहीं बनाई, लोगों ने बनाई है। हाँ ये जरूर है कि जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं उसमें जिनको बहुत सारा पैसा मिलता है उन्होंने भी ब्लैक मनी बनाई है, बट ने भी छोटे छोटे कारोबारी हैं, सब लोगों ने कहीं ना कहीं ब्लैक मनी तो बनाई है सर, मतलब ऐसा पैसा जिस पर टैक्स नहीं दिया हुआ है। अब आप मुझे बताइए कि ऐसे प्रोफेशन में जहां हमारा एथिकल स्टैंडर्ड तो ये कहता है कि आपको रिपोर्ट करना है अगर आपको कोई भी गड़बड़ पता लगती है, ऑडिट रिपोर्ट में आपको डिस्क्लोज करना है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये आइटम का डिस्क्लोजर गलत है, या फिर इतनी की लाइबिलिटी जो बन सकती है कंपनी की जिसको कंपनी ने नहीं दिखाया, लोगों को धोखे में रखा है कि ये चीज हो सकती है, दिखाया ही नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, रिकॉर्ड ही नहीं किया सर, रिकॉर्ड नहीं किया किसी को नहीं पता लगेगा। अच्छा हमारे डिस्कशन ऐसे ही होंगे सर, ऐसे ही होंगे, जो प्रैक्टिकली चलती है चीजें उसी पर होगा, पढ़ाई को आप ज्यादा डिफिकल्ट मत लीजिए, ये तो हम कर लेंगे, पर जो जो दिमाग में चीजें आती है जो निकल रही है वो निकलने दीजिए सर। मैं कहां पर था और कहां तक आ गया, देखिए हम इस पर टॉपिक पर थे, हम इस टॉपिक पर थे कि भैया सीए जो है उसकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि वो डिफिकल्ट है, नहीं क्योंकि वहां पर आपको एक काम की एश्योरिटी मिल जाती है, पैसे आने स्टार्ट हो जाते हैं, और जो लोग बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं उन्हें सीए के साइन चाहिए होते हैं, इसके लिए सीए कोर्स की वैल्यू है। जिसे बोलते हैं ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बाद जिसके सिग्नेचर की सबसे ज्यादा वैल्यू है वो हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो आप लोग हैं, आपके सिग्नेचर की वैल्यू बनने वाली है। बट हमारे साइड बाय साइड जो प्रोफेशनल एथिक्स बोलते हैं वो ये कहते हैं कि आप गलत वलत चीजों पे साइन नहीं करोगे, पर वो कोई मानता नहीं है सर, वो करते हैं सब लोग साइन। डीमोनेटाइजेशन हुआ तो डीमोनेटाइजेशन में न्यूज वालों ने कैमरा लगा लगा कर रिकॉर्डिंग करी कि सीए बोल रहा है कि भाई देखो 30% कम मिलेगा, 1 करोड़ दोगे 70 लाख मिल जाएंगे, या 60% 50-50 मिलेगा, मतलब 1 करोड़ का ब्लैक का व्हाइट कराना है तो 50 लाख व्हाइट हो जाएगा, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन में तो जितना ब्लैक मनी था, जितना कैश पड़ा था जिस पर टैक्स नहीं दिया था सर, वो सारा वेस्ट हो रहा था, तो उसमें वो भी एग्री हो गए कि हाँ जितना पैसा मिलता है ले लेते हैं सर। वो ब्लैक का व्हाइट कैसे हुआ था सर, वो वाला डिमोनेटाइजेशन वाला कैसे किया था लोगों ने, वो ऐसे किया था कि भाई तुम जो उसमें ऐसा था कि गवर्नमेंट ने बोला कि 50,000 तक से कम में जिसके अकाउंट में जमा होंगे उस पे हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि इतना कैश तो रख सकते हैं, और अगर बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन होगी 2 लाख 3 लाख रुपए की तो हो सकता है कि हम इनकम टैक्स रिकॉर्ड से मैच करेंगे, और अगर हमें गड़बड़ लगेगी कि इस बंदे ने टैक्स तो दिया नहीं और इतना कैश पड़ा हुआ था जो जमा कराया है डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे, तो फिर इस पर हम नोटिस वगैरह भेज सकते हैं इनकम टैक्स का। हुआ क्या, गरीबों का देश है अपना, और वहां पर क्या हुआ सर, इतने मजदूर हैं, इतने लोग हैं,
उनके पास बेचारों के पास पैसे ही नहीं है, पर मोदी जी ने सबके बैंक अकाउंट जरूर खुलवा दिए सर। फैक्ट्री ओनर्स ने क्या किया, जितना ब्लैक कैश पड़ा था, ब्लैक मनी पड़ा था, उन्होंने कहा सैलरी तुम्हारे अकाउंट में नहीं मिलेगी सर, और यहां काम भी नहीं मिलेगा, काम करने भी मत आना, ये मेरे पैसे लो अपने बैंक अकाउंट में जमा कराओ, फिर निकाल कर मुझे दो तो फिर काम में आना है। अब वो मजदूर को 1 करोड़ रुपए, अगर 1 करोड़ रुपए अगर मैंने, लेट्स से कि मान लेते हैं कि फैक्ट्री में 100 मजदूर हैं, 100 मजदूर काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, और एक एक के अकाउंट में अगर 50,000 रुपीज तक डाल दिए, तो 50 लाख रुपए तो ब्लैक मनी डाल दिया, और वही मजदूर वापस से निकाल कर 50,000 मुझे वापस कर देगा नए नोट में, ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर लिया। और आप तो कितनी बार भी कर सकते हो। हाँ, एक और लॉजिक लगाया था किसी ने, और उसने ये भी बोला था डिमोनेटाइजेशन में कि ऐसा करो ना सर, पुराने नोट डालो, नए नोट निकालो, फिर पुराने नोट डालो और नए नोट निकालो, और ऐसे करते रहो करते रहो करते रहो, और बोलो मैंने तो सेम नोट ही तो बार बार दिए हैं। समझे क्या हुआ था? एक ये भी एक ट्रिक थी, ब्लैक व्हाइट की ये भी ट्रिक थी, कि आपने क्या किया कि आपने ऐसा शो करा कि भाई हमारे पास जो पैसे हैं वो हमारे पास 10,000 रुपए का ही कैश पड़ा हुआ है टोटल, हमने बैंक में जमा कराया और एटीएम से निकाल लिया, एटीएम से 2,000 के नए नोट निकले 5, जमा तो पुराने नोट करवाते रहे क्योंकि एक सर्टेन टाइम पीरियड में आप पुराने नोट जमा करा सकते थे, और फिर एटीएम से निकाल लिए 10,000 रुपए। आपने कहा जो 10 निकाले थे वही मैंने जमा कराए थे, वही वापस से निकाल दिए, मैं कितनी बार भी जमा कराऊं निकालू मेरी मर्जी सर। डालते थे पुराने नोट, निकालते थे नए नोट उस टाइम पीरियड में, ये भी ब्लैक का व्हाइट करने का चल रहा था सिस्टम। और जो मजदूर वाला बताया वो भी चल रहा था। तीसरा, बैंक के मैनेजर्स, सीएस जो है बैंक के मैनेजर्स के साथ सेटिंग, और बैंक के मैनेजर्स की डायरेक्टली सेटिंग, हम एक एंट्री मारेंगे फेक अकाउंट में कि भैया इतने इतने रुपए आए हैं, और उसके बाद वहां उन अकाउंट से आपके अकाउंट में गए हैं, जो भी हम करेंगे लीगली कर देंगे इसको। बहुत बहुत तरकीबें निकाल दी गई सर ब्लैक के व्हाइट में। गवर्नमेंट करप्ट नहीं है सर, लोग करप्ट हैं सर, लोग करप्ट हैं। उस करप्शन से हटने के लिए मैंने तो सीए का काम लिया ही नहीं सर, क्योंकि अगर आप एथिकली चलोगे तो एथिकली चलने पर आपको क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे सर, जब तक आप क्लाइंट का पैसा नहीं बचा सकते वो आपके पास क्यों आएगा सर? समझ रहे हैं, कोई ना कोई तो आएगा बट बाकी क्यों आएंगे सर? तो यहां पर ये चक्कर है सर। कभी और करेंगे फुर्सत से इस टॉपिक पर चर्चा कि कैसे ब्लैक का व्हाइट होता है, कैसे फर्जी बिल क्लेम करे जाते हैं, कैसे चीजें चलती है इंडस्ट्री में, कैसे बिना फाइनेंशियल सिस्टम में आए हुए चीजें चल जाती है। बहुत सारी चीजें हैं, डिस्कशन करेंगे, और ये आप बताना मत किसी को सर। और मैंने डिस्क्लेमर भी लगाया, जो व्यूज हैं पर्सनल व्यूज हैं सर, मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हूं जो भी मैं कह रहा हूं, पहले लगा देना डिस्क्लेमर। अब पता लगे कि भैया ये सुनकर कोई बोले अच्छा ऐसे होता है, हमने तो यहाँ क्लास में सुना है ब्लैक का व्हाइट ऐसे करते हैं, तो करते हैं फिर जाकर आप उसका प्रचार करने लग जाए। नहीं सर, नहीं, ये आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ मैं। और वैसे तो कायदे में जो ऑडिट का बैच ले रहे हैं उनके मेरे को डॉक्यूमेंट्स भी ले लेने चाहिए कि वो सीए के ही स्टूडेंट से कोई और बंदा नहीं देख रहा, क्योंकि यहाँ काफी सारी कॉन्फिडेंशियल चीजें आपको पता लगेगी जो बाकियों को नहीं पता लगनी चाहिए, जो बाकी लोग हैं सीए में जो नहीं है उन्हें नहीं पता लगनी चाहिए। तो ऑडिट के बैच के लिए खासकर मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंट्स मुझे मंगवाने ही पड़ेंगे। अब जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी ले लिया है बैच वो तो मुझे सेंड कर दीजिए, और बाकी जो स्टूडेंट लेगा उसका भी मैं एक आईडी प्रूफ हम लेंगे ऑडिट के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल चीजें बाहर आएगी। कंपनी सेक्रेटरीज सेक्रेटेरियल ऑडिट कर सकते हैं, जिसमें वो बताएंगे कि कंपनी लॉ का कंप्लायंस कंपनी सही कर रही है नहीं कर रही। तो सीएस वालों को भी वैसे ही काम चाहिए सर, यहाँ पर काम मिल गया ना सर, कुछ हम करेंगे कुछ तुम करेंगे, कुछ हम कर लें कुछ तुम कर लो, ऐसे चलते रहना, थोड़ी इनकम हमारे पास आए थोड़ी तुम्हारे पास आए, थोड़ा बहुत काम करते रहना। यहां पर देखते हैं कैन बी डन बाय सीए और सीए में, सीए में आ गया, अरे मुझे भी दे दे काम, हे गवर्नमेंट, हे अल्लाह, हे खुदा, हे ईश्वर, मुझे भी काम दे दे थोड़ा सा। तो सीएमए वालों को भी काम यहां पर मिल गया सर, जीएसटी ऑडिट का। हाँ, भूल कर भी भाई कहीं से लीक वीक मत कर देना जो मैं यहां बोल रहा हूं। अच्छा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, भूल कर भी बोल मत देना भाई, ये सारी की चीजें जो फिक्शनल है, ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं भले ही असली हो बट मैं कह रहा हूं ये फिक्शनल है सर। हाँ जी, कल को पता लगे कोई रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर कर कोई डाल दे भाई, ये देखिए सब कुछ फिक्शनल है, काल्पनिक, बोलते हैं ना काल्पनिक है सर, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता जो मैं आपको क्लासेज में बता रहा हूँ। ये स्टार्टिंग में लगा है, डिस्क्लेमर लगा है सर, पर्सनल ओपिनियन है,
ऐसा एक्चुअली में नहीं होता होगा, ये सब मैं बोलते रहूंगा, क्योंकि अगर ये मैं बोलूंगा कि असली में होता है तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सीएमए वाले बाद में आए, सोते सोते आ रहे, यार ये क्या, सीए को दिया स्टेटूटरी ऑडिट, टैक्स ऑडिट भी सीए को दे दिया, कंपनी सेक्रेटरी को दे दिया सेक्रेटरियल ऑडिट, हम क्या करें भाई, हम क्या घास चरेंगे यहाँ पे, कॉस्ट अकाउंटेंट की कोई इज्जत नहीं है। तो जीएसटी आया, नया नया जीएसटी आया, कहते अच्छा यार लोगों की जरूरत पड़ेगी, आ जाओ तुम भी आ जाओ, सीए भी कर सकता है, सीएमए भी कर सकता है सर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी कर सकता है, सीए भी कर सकता है, मिल बांट कर कर लो, दोनों भाई हो यार तुम, मिल बांट कर खा लेना, पी लेना, ऐश कर लेना, जीएसटी ऑडिट आप कर लेना। यहां तक की बात समझ में आ गई सर, कौन कौन क्या क्या कर सकता है। ऐसी ऑडिट भी होती है क्या जो कोई भी कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं सर, ऐसी भी ऑडिट है जो कोई भी कर सकता है, जैसे कि इंटरनल ऑडिट, जो बड़ी कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं, उन्हें जरा इंटरनल ऑडिट है, सेक्रेटरियल ऑडिट है, करवानी होती है, सब कंपनियों को नहीं करवानी होती, कुछ कंपनियों को करवानी होती है सर। स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है सबको करवानी होती है, टैक्स ऑडिट कुछ को करवानी होती है, जीएसटी ऑडिट कुछ लोगों को करवानी होती है, स्टैट्यूटरी ऑडिट हर कंपनी को करानी होती है, इंटरनल ऑडिट बड़ी कंपनियों को करवानी होती है सर, कंपनी लॉ में आप पढ़ोगे रिक्वायरमेंट क्या है। तो इंटरनल ऑडिट जो है वो कोई भी कर सकता है, चाहे मैनेजमेंट ने, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, टॉप मैनेजमेंट है, उन्होंने चाहे किसी बंदे को, अपने ही एम्प्लॉय को, एक दो तीन एम्प्लॉय को मिलाकर एक टीम बना दी और कहा कि भैया तुम चेकिंग करो, तुम इंटरनल ऑडिट करो, और जो तुम्हें डेफिशिएंसी लगती है सिस्टम में, जहां जहां पे लूप होल्स है वो हमें बताओ, जो प्रोसेस इंप्रूव होने चाहिए आप हमारे तक लेकर आओ। इंटरनल ऑडिट में आपको बंदों से डील करना पड़ेगा जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के होंगे, आप उनसे सुनेंगे, उनका प्रोसेस जानेंगे, सोचेंगे कहां पर लूप होल है, क्या प्रैक्टिसेस चल रही है, फिर अपनी एक इंप्रूवमेंट रिपोर्ट बनाकर मैनेजमेंट को देंगे, तो आपको मैनेजमेंट अच्छे अच्छे पैसे देगी। कोई भी कर सकता है इंटरनल ऑडिट, इसका मतलब ये नहीं सीए नहीं करते, जनरली सीए करते हैं, सीएस या सीए में भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, मैनेजमेंट का अपना खुद का बंदा कर सकता है इंटरनल ऑडिट। बात क्लियर हो गई सर, यहां तक बात समझ में आ गई आपको? क्योंकि जो इसकी रिपोर्ट है वो मैनेजमेंट के पास ही जाती है, मैनेजमेंट ने कहा यार मुझे भी तो पता होना चाहिए कि मेरे प्रोसेस में कहां डेफिशिएंसीज है, उसे मैं करेक्ट करूं, तो मैनेजमेंट खुद के लिए ऑडिट करवा रही है, इंटरनल ऑडिट हो गया, मैनेजमेंट ऑडिट हो गया, खुद के लिए करवा रही है सर, और किसी से भी करवा सकती है, जिससे करवाएगी वो रिपोर्ट जो है मैनेजमेंट को दे देगा, जिसने अपॉइंट करा है उसको रिपोर्ट दे देंगे, काम खत्म सर। आपकी बुक में जो क्लासिफिकेशन दे रखी है वो इस प्रकार दे रखी है, ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ, समझ गए आप, ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ, यानी कि जो ऑडिट लॉ में लिखा हुआ है इसको करवाना होगा, जैसे कि जीएसटी ऑडिट लॉ में लिखा है, टैक्स ऑडिट लॉ में लिखा है, कंपनीज का जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है कंपनीज एक्ट में लिखा है सर, जो स्टैट्यूट में लिखा है, समझ रहे हैं आप, स्टैट्यूट में भी दो चीजें हैं ना सर, एक स्टैट्यूट में ये लिखा है कि आपको ऑडिट करना है और आपको ऑडिट इन चीजों का करना है और ऐसी रिपोर्ट देनी है, सब कुछ लिख दिया, और एक लिखा है कि सिर्फ आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ही कमेंट करना है, बाकी चीजें चेक नहीं करनी, अलग अलग टॉपिक के अलग अलग ऑडिट के। तो अगर स्टैट्यूट में जो चीज बोली गई है आप उसी पर अपनी रिपोर्ट दोगे, आपका जो स्कोप ऑफ वर्क है कि आप क्या काम करोगे, क्या ऑब्जेक्टिव जो आपका होगा, क्या आप काम करोगे, किस पर ओपिनियन दोगे, क्या चीजें चेक करोगे, वो जो पूरा का पूरा दायरा होगा वो स्कोप ऑफ वर्क डिसाइड करेगा, और जहां पर लॉ लगती है, स्टैट्यूट है, वहां पर एक्ट में लिखा हुआ है कि आपको ये चीजें करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपनी की करने गए, कंपनी कहती है काम करो, सिर्फ ना पीएनएल चेक कर लो, बैलेंस शीट रहने दो, आप कहेंगे नहीं बेटा नहीं, जो मेरा स्कोप ऑफ वर्क है, भले ही तुमने मुझे अपॉइंट किया होगा, भले ही शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट करा है, पर जो मेरा स्कोप ऑफ वर्क है, जो मुझे काम करना है, वो मुझे एक्ट बताता है कि आपको ये काम करना है और ये आपको अपनी ओपिनियन देनी है इस मुद्दे पर, तुम उसे लिमिट नहीं कर सकते, मेरे स्कोप को कम नहीं कर सकते, ज्यादा नहीं कर सकते। पर जहां पर ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है, वहां पर जो स्कोप है वो तो मैनेजमेंट तय करती है, जो बंदा अपॉइंट कर रहा है वो तय करता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक कोई बिजनेस कर रहे हैं जहां पर ऑडिट मैंडेटरी नहीं है, कंपनी आपकी है नहीं, आप सोचते हैं यार प्रोसेस में काफी बंदे काम करते हैं, 100 से ज्यादा मेरे एम्प्लॉयज हो गए हैं और फैक्ट्री में काम भी करते हैं, एक ऑडिट करवाई जाए तो मुझे पता लगे कि ये वीकनेस है मेरे सिस्टम में, आपने अपनी मर्जी से करवा लिया, जो भी वीकनेस होगी, जो भी फ्रॉड वगैरह पकड़ में आएंगे, जो भी चीजें होगी, वो आपको बता देगा जिस बंदे को आपने अपॉइंट करा है, उसका काम खत्म, उसे आप पैसे दे देंगे, आपका काम खत्म, आपको रिपोर्ट मिल गई सर, ठीक है ना,
आप उसको ये थोड़ी ना बोलेंगे अच्छा वीकनेस है मत निकालियो सर, वीकनेस मत निकालियो। अरे बोल जितनी मर्जी वीकनेस निकाली यार, अल्टीमेटली मुझे ही तो बताएगा वीकनेस, और मैंने तेरे को इसीलिए तो अपॉइंट किया है कि जितनी वीकनेस मेरे प्रोसेस में निकले वो मुझे बता, जितनी वीकनेस मेरे कंट्रोल्स में निकले जो मैंने लगाए हैं, चेक्स वगैरह लगाए हैं जिससे एरर ना हो सके, अगर मेरे वो कंट्रोल्स ही खराब है तो मुझे बता कि इसको ऐसे इंप्रूव करना है, मैं करूंगा। मैंने उसी लिए तो अपॉइंट करा है सर, और मेरी जितनी वीकनेस आएगी वो मुझे पता लगेगी जिसे मैं बाद में करेक्ट कर पाऊंगा। ये होता है जब आप ऑडिटर को खुद अपॉइंट करते हो, एक्ट में नहीं लिखा होता, उसके बावजूद आप अपॉइंट करते हो अपनी इंप्रूवमेंट के लिए। आप उसे स्कोप बताओगे कि भाई देख मेरा एचआर का जो डिपार्टमेंट है वहां पर ऑडिट करनी है, उस डिपार्टमेंट में इंप्रूवमेंट बताओ, तो वो बंदा कहेगा आपको एक काम करो सर, मुझे आप मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट की ऑडिट करने दो। वो कहेगा नहीं भाई, तेरा स्कोप मैं डिजाइन कर रहा हूँ, तेरा स्कोप मैं बता रहा हूँ कि तुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, तू एचआर डिपार्टमेंट का देख बस। तो वहां पर आप उसके स्कोप पर लिमिटेशन लगा सकते हो सर, दायरा बांध सकते हो कि ये स्कोप है सर। बात समझ में आ गई आपको? फर्दर आज हम डिस्कशन करेंगे कुछ और भी, स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है दैट मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम इंटरनल ऑडिटर। ऐसा क्यों है सर, ऐसा क्यों होता है? आपको पता है ना कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन होता है, इंटरनल ऑडिटर कौन होता है, आपको मालूम है ना? तो यहां पर देखिए सर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिटर दोनों अलग अलग इंसान होने चाहिए सर। क्यों होने चाहिए उसकी मैंने डिस्कशन करी है यहां पर, देखिए। बिकॉज इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट्स ऑन दी वीकनेस इन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। सर ये क्या चीज आ गई, इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट्स ऑन दी वीकनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल्स है। इंटरनल कंट्रोल का मतलब जो उस ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, क्या बोला यार, क्या बोला है, ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम एंड प्रोसीजर लगाए हुए हैं कि एक काम इस तरीके से होगा, गेट पर जब एंट्री होगी तो टाइम लिखा जाएगा सर, उसके बाद जब ऊपर आएंगे तो कार्ड पंच करना होगा सर, उसके बाद आप बैठेंगे काम वाम करेंगे तो आपने जो काम किया उसको कोई और चेक करेगा सर, कोई अप्रूव करेगा सर, इतने से ऊपर की ट्रांजेक्शन करनी तो मैनेजर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी सर, और कुछ कामों पे डायरेक्टर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। जो भी चीजें, जो भी प्रोसेस वगैरह लगाए हैं ये देखने के लिए भैया कोई एरर ना हो जाए, कोई फ्रॉड वगैरह ना हो, गड़बड़ी ना हो, वो पूरे के पूरे प्रोसेसेस जो है उसे इंटरनल कंट्रोल्स बोलते हैं। अगर मैनेजमेंट के इंटरनल कंट्रोल्स ही नहीं है उस कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर काहे का ऑडिट? फिर तो आप बोलो हाथ जोड़ के रिपोर्ट में लिख देना इंटरनल कंट्रोल्स है नहीं, इंटरनल कंट्रोल्स वीक है तो लिख देना इंटरनल कंट्रोल्स वीक है, और इंटरनल कंट्रोल्स अगर स्ट्रांग है तो बहुत अच्छी बात है सर, फिर आप कुछ मत लिखना सर। तो यहां पर देखिए कहां कहां पर वीक है आप बताएंगे, इंटरनल ऑडिटर जो है बताता है कि इंटरनल कंट्रोल्स में कहां कहां पर डेफिशिएंसी है। सिस्टम एंड प्रोसीजर जो प्लेस करे हैं मैनेजमेंट ने कि एरर एंड फ्रॉड पता लग जाए, वो इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस जो है ये मैनेजमेंट को बताएगा, ठीक है। मैनेजमेंट ही अपॉइंट करती है इंटरनल ऑडिटर, मैनेजमेंट को रिपोर्ट दे देगा। हाउएवर स्टैट्यूटरी ऑडिटर आर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स अंडर दी कंपनीज एक्ट। स्टैट्यूटरी ऑडिटर को तो शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया है सर, मतलब इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता है, मैनेजमेंट अपॉइंट करती है। अब शेयर होल्डर ये देखना चाहते हैं कि जो मैनेजमेंट मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रही है, जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, जो काम हो रहा है वो ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके लिए शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं कि मैनेजमेंट को भी कोई चेक कर ले, मैनेजमेंट को चेक करने वाला भी होना चाहिए। तो इसलिए स्टैट्यूटरी ऑडिटर शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो पैसा शेयर होल्डर्स का लगाए, शेयर होल्डर्स का पैसा लगाए सर। शेयर होल्डर को रिपोर्ट आपने दे दी और खुश है, कोई दिक्कत नहीं है तो बस बात खत्म, और दिक्कत है तो रिपोर्ट करिए सर। मोदी जी ने क्या कहा था 1 जुलाई को, मोदी जी ने ये कहा था कि भाई देखिए एक गरीब भी लिस्टेड कंपनी में पैसा लगा सकता है, एक मिडिल क्लास बंदा भी लगा सकता है पैसे, या कोई म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है बेचारा, जिसके पास कम पैसे हैं, 1,000 रुपए 500 रुपए निकालकर महीने के सेविंग कर सकता है, पैसा कमाने के चक्कर में इन्वेस्ट करता है अल्टीमेटली डूब जाता है सर। क्यों? क्योंकि जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर वो रिलाई कर रहा है बेस्ड ऑन योर ओपिनियन कि इसमें कोई गलती नहीं है, उसमें बहुत बड़ा ब्लंडर निकल जाता है सर। कैसे सर, कैसे कैसे हो रहा है ये, कितना बड़ा ब्लंडर निकल गया, करोड़ों का लॉस था दिखाया ही नहीं सर। नहीं हो सकता ना सर ऐसा, अगर हो रहा है फिर आप चेकिंग क्या कर रहे हैं सर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर सर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स ये देखने के लिए कि मैनेजमेंट सही काम कर रही है नहीं कर रही, मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रही है वो ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहे हैं कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स की या नहीं, जो एसेट लाइबिलिटी प्रॉफिट लॉस दिखा रही है कंपनी
जो खर्चे दिखा रही है, इनकम दिखा रही है, बैलेंसेस दिखा रही है, इतना लेना है इतना देना है, सही दिखा रही है नहीं दिखा रही, ट्रू एंड फेयर पिक्चर आ रही है बिजनेस की नहीं आ रही, तो वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, कमेंट करते हैं, सर स्टैट्यूटरी ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते नहीं है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करते हैं, चेकिंग करते हैं सैंपल बेसिस पर, पूरी चेकिंग पॉसिबल नहीं होती है, तो जो मेन आइटम्स होते हैं, बड़े आइटम्स होते हैं उन्हें चेक करते हैं, डिफरेंट आइटम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के आइटम्स उन्हें चेक करते हैं और बस अपनी ओपिनियन देते हैं सर, ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं सर, ऑडिट रिपोर्ट बनाना सीए का काम है चेकिंग करने के बाद, ठीक है ना। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर वाला क्या कर रहा है, मैनेजमेंट सही काम कर रही है नहीं कर रही उस पर रिपोर्ट कर रहा है, इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर रहा है। अब बात बताइए मुझे, इफ इंटरनल ऑडिटर कैन ऑल्सो बिकम द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, अगर ऐसा हो जाए देन वाई वुड द रिपोर्ट वीकनेस ऑफ द मैनेजमेंट टू शेयर होल्डर। इंटरनल ऑडिटर जो मैनेजमेंट ने अपॉइंट करा है भाई, मैनेजमेंट मालिक है उसका, मालिक आपके लिए तो हम अपनी जान हाजिर कर देते हैं, मालिक से पैसे मिलने वाले हैं, इंटरनल ऑडिटर जो है मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया है सर, मैनेजमेंट की वीकनेस बता देगा शेयर होल्डर्स को नहीं सर, वो कभी नहीं बताएगा सर, मैनेजमेंट उसके अन्नदाता है सर, मैनेजमेंट से पैसा मिलता है इंटरनल ऑडिटर को, वो मैनेजमेंट की वीकनेस मैनेजमेंट को जरूर बता सकता है वीकनेस, पर अगर उसे पता लग गया मुझे शेयर होल्डर्स को भी ये चीज बतानी है तो मैनेजमेंट नाराज हो जाएगी उनकी वीकनेस अगर पता लग गई तो, इंटरनल ऑडिटर जो है वो सही नहीं बताएगा, इसीलिए कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है यहां पर, आप देख रहे हैं देयर विल बी अ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट व्हाइल ऑडिटर परफॉर्म देयर ड्यूटीज। इंटरनल ऑडिट वाला काम कर रहे हैं मैनेजमेंट से मिला हुआ है सर, मैनेजमेंट के लिए ही काम कर रहा है, तो क्या वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनकर शेयर होल्डर को सही बात बता पाएगा, द आंसर इज नो, इसीलिए स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है needs to be an independent person as per Companies Act, that is a person who is free from personal bias and is not related to the company or its management in any manner. मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है डायरेक्टर, ना ही मैंने कंपनी में पैसे लगाए हैं, मैं उस कंपनी को जानता भी नहीं हूं, सिर्फ नाम सुना होगा मैंने, आप मुझे अपॉइंट कर रहे हो, मैं सीईओ हूं प्रैक्टिस करता हूं, मुझे अपॉइंट कर रहे हो सर, तो ठीक है आप मुझे अपॉइंट कर लीजिए सर, मैं इंडिपेंडेंट पर्सन हूं, मुझे मतलब नहीं सर मैनेजमेंट अच्छा काम करे बुरा करे, मुझे तो चेकिंग करनी है, अपने ऑडिट के प्रोसीजर के हिसाब से चेकिंग करूंगा और जो मेरे को लगेगा ओपिनियन उस पर दे दूंगा। देयरफॉर स्टैट्यूटरी ऑडिटर हमेशा इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, ऐसा कंपनीज एक्ट में लिखा है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर ही हो सकता है जो स्टैट्यूटरी ऑडिट करे, इंटरनल ऑडिटर जो है वो इंटरनल बंदा भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी टाइप का ऑडिट कराओ इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट तो रहेगा ही, वरना ऑडिट का पर्पज डिफीट हो जाएगा। चाहे आप इंटरनल ऑडिट भी करवा लो सर, वो भी ऐसे करवाई जाती है कि मैनेजमेंट जो है वो ऐसे बंदों को लेकर आती है जो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से ना मिले, क्योंकि अगर मान लीजिए कि फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट का बंदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसे बुलाया और कहा कि भाई तुझे कंपनी की ऑडिट करनी है, तो बाकी डिपार्टमेंट की तो गलतियां बताएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट की नहीं बताएगा सर, डिपार्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो इसीलिए आप जब ऑडिट करवाते हैं, चेकिंग करवाते हैं, जिन जगहों की चेकिंग करवा रहे हैं, एटलीस्ट बंदा वहां से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, वहां पर उसका कोई लिंक नहीं होना चाहिए, तभी वो ट्रू एंड फेयर ओपिनियन दे पाएगा और अपनी सही रिपोर्ट प्रेजेंट कर पाएगा, ये वीकनेस है सर, ये मुझे लगता है कि इंटरनल कंट्रोल इतने अच्छे हैं या बुरे हैं, उस पर वो अपनी टिप्पणी कर पाएगा। सिमिलरली जीएसटी ऑडिट कैन नॉट बी डन बाय इंटरनल ऑडिटर्स, भाई इंटरनल ऑडिटर जो है वो भी जीएसटी ऑडिट नहीं कर सकते, क्यों सर, इंटरनल ऑडिटर है ना सर, वो कंपनी की बात जीएसटी वाले डिपार्टमेंट को क्यों बताएंगे सर, कंपनी की बात जीएसटी वाले डिपार्टमेंट को क्यों बताएंगे। सिमिलरली इनकम टैक्स ऑडिट भी नहीं कर सकते वो इंटरनल बंदे। इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, इसीलिए जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है जो कि हमेशा ही इंडिपेंडेंट होगा, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कौन ऑडिटर हो सकता है कौन नहीं हो सकता है, वही पढ़ेंगे हम आने वाली क्लासेस में। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो इंडिपेंडेंट पर्सन है वो इनकम टैक्स ऑडिट भी कर सकता है, जीएसटी ऑडिट भी कर सकता है, जी हाँ सेम पर्सन दोनों चीजें भी कर सकता है, तीनों चीजें भी कर सकता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट चल रही है, कोई मीटिंग वगैरह हुई, पता लगा कि इनका टैक्स ऑडिट भी करना है, तो टैक्स ऑडिट का भी कोटेशन भेज दिया सर, प्रपोजल भेज दिया, थोड़ा सा पैसे और आ जाएंगे। जीएसटी का काम भी ले लिया सर, जीएसटी ऑडिट का, ठीक है ना, यहां तक की बात समझ में आ गई आपको। इंडिपेंडेंस इज द बेसिक पिलर ऑफ ऑडिटिंग बिकॉज अ रिलेटेड पर्सन कैन नॉट प्रोवाइड ट्रू ओपिनियन एज ही हैज वेस्टेड इंटरेस्ट इन दैट एंटिटी, ही वुड नेवर रिपोर्ट द फ्लॉज एंड वीकनेस ऑफ दैट एंटिटी इन विच ही इज इंटरेस्टेड। ये मैंने ही लिखी है लाइन, बुक में नहीं थी ये, तो ये लाइन मैंने ही बनाई है आपकी, और ऊपर वाली लाइन भी मैंने ही बनाई है, काफी चीजें मैंने खुद बनाई है, बुक में नहीं है सर, बुक में नहीं है सर। हाँ जी, कई बार इंटरनेशनल
स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करने पड़ते हैं आपको सही चीज बताने के लिए जो बुक में गिवन नहीं है सर, हो सकता है फाइनल लेवल पर गिवन हो। इंडिपेंडेंस इज द बेसिक पिलर ऑफ ऑडिटिंग बिकॉज रिलेटेड पर्सन जो है, जो एक दूसरे को जान पहचान रखते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को पैसा दिया पैसा लिया हुआ है, उस चक्कर में क्या होगा सर, जहां मॉनेटरी बेनिफिट दिख रहा है सर, या फिर रिलेशन वगैरह है कहीं पर, तो वहां गड़बड़ हो सकती है सर, गड़बड़ हो सकती है। इसी का मैं आपको किस्सा सुनाता हूं। चलो इसका इसका किस्सा मैं आपको उस चैप्टर में सुनाऊंगा जो कंपनी ऑडिट वाले चैप्टर है, वहां लिखा हुआ है कि ऑडिटर ये वाले लोग नहीं हो सकते क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं से रिलेटेड है या फिर यहां पर कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस जा रही है, इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो रही है, ये नहीं हो सकते। वहां मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा सर, जहां मेरे मामा जी पार्टनर थे और ऐसे ही मेरे मन में ख्याल आया कि अगर मैं अपनी मम्मी को उस कंपनी के शेयर दिला दूं इतने परसेंट से ज्यादा, तो मामा जी और उनकी पूरी फर्म डिस्क्वालीफाई हो जाएगी उस कंपनी की ऑडिट करने के लिए, क्योंकि आपके रिलेटिव के पास भी शेयर नहीं होने चाहिए। तो ऐसा खुराफाती दिमाग मेरा चलते रहता है मजे लेने के लिए थोड़ा बहुत मामा जी वगैरह से, या कोई भी है मतलब जो भी है फ्रेंड्स वगैरह भी हो गए, तो ये मैंने सोचा था, किया नहीं भाई ऐसा कभी मैंने, बट कर सकते हैं आप लोग, कर सकते हैं डिस्क्वालीफाई करवा सकते हैं आप सीए को अगर रिलेटिव है उसके, शेयर बाय कर लेना सर, शेयर कैपिटल एक सर्टेन परसेंट ज्यादा कितनी परसेंट होती है देखेंगे एक बार, चेंज हुई है नहीं हुई एक बार अपडेट करेंगे उसको। बट फिलहाल आपको ये पता लग गया कि इंडिपेंडेंस जो है बेसिक पिलर होता है, इंडिपेंडेंट होना जरूरी है ऑडिटर को, तभी वो एक ट्रू ओपिनियन दे पाएगा। इसी के साथ आपकी पहली क्लास तो कंप्लीट हो गई सर, नेक्स्ट क्लास में जानेंगे मीनिंग ऑफ ऑडिट जो कि एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए नेक्स्ट क्लास का वेट करिएगा। अल्टरनेट डेज पर क्लास चल रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि ठीक है आपको मजा आएगा, चीजें समझ में आएगी, थोड़ा सा टाइम लग सकता है जरूर, बट अगर आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं तो आपके वो अंदर ही आ जाएगी चीजें कि हाँ ऐसा होता है प्रैक्टिकली, बस सुनते जाइए सुनते जाइए सुनते जाइए सर। पढ़ने के लिए तो आपको नोट्स दे ही दिए मैंने, उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, थैंक यू सो मच।